वेलकम टू DR स्मार्ट स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। आज की क्लास आपकी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नेम जल संसाधन। इसका चैप्टर आधा चैप्टर हो चुका था, इसके बचे हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर के क्वेश्चन पहली क्लास में हो चुके हैं। हमारा देश में जो जल संसाधन किस समस्या से जूझ रहा है, हमारे देश के अंदर जल संसाधन के क्या समस्याएं हैं। नंबर 1 समस्या, जल की उपलब्धता में कमी है। जल की उपलब्धता में कमी कैसे की, जनसंख्या ज़्यादा होने से और सिंचाई का अधिक यूज होने से जलों में जो नगरों में बढ़ती जनसंख्या जल आपूर्ति कठिन हो रहा है। जल के गुणों में कमी, जल के गुणों में कैसे कमी आएगी, जल का अधिक उपयोग होने से जल भंडारों में कमी आती है, तो उसमें बाह्य अवांछनीय पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव औद्योगिक अवशिष्ट मिल जाते हैं, नदी जलाशय प्रभावित होती है, इससे जल जो है जल का गंदा हो जाता है पानी, तो इससे क्या होता है, जल दूषित हो जाता है और पीने लायक नहीं रहता। जल प्रबंधन, जल प्रबंधन क्या है, नेक्स्ट जल प्रबंधन के देश के अंदर पर्याप्त जागरूकता नहीं है। जल प्रबंधन के लिए जागरूकता नहीं, लोग जल संग्रह के बारे में अवेयर नहीं है। नेक्स्ट जागरूकता और जानकारी का अभाव, लोगों को जानकारी और जागरूकता नहीं, शुद्ध पानी के बारे में जो जानकारी और जागरूकता नहीं है, ये भी नेक्स्ट मुख्य कारण है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संसाधनों के कम होने के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों का व्याख्या कीजिए। भारत में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2 वैधानिक उपाय बताएं। अब आती जल संसाधनों की कमी के कारण क्या है, अत्यधिक उपयोग, जल का उपयोग ज़्यादा किया जाने लगा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण जल संसाधनों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। घरेलू औद्योगिक क्षेत्र में भी लगातार जल संसाधनों की कमी का मुख्य कारण कई बार उपयोग की वजह दुरुपयोग इसी कमी को और बढ़ा देता है। नगरीय क्षेत्र का धरातल कंक्रीट, नगरीय क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है कि जमीन नहीं रहती, खेती नहीं रहती, वहाँ पर पानी जो नीचे नहीं जा पाता, बारिश का पक्के हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि वहाँ का भूम जल स्तर खत्म हो जाता है। बिल्कुल, बढ़ते विकास औद्योगिकरण के कारण नगरीय क्षेत्रों में कई धरातल कच्चा नहीं है, कंक्रीट हो चुका, जिससे भूमि में जल का रिसाव नहीं होता और भूम जल संसाधनों में कमी आ गई है। वर्षा जल संग्रह के संदर्भ में जागरूकता, वर्षा जल संग्रह को जागरूकता की कमी है, इसको जो है संग्रह नहीं किया जाता है, यह भी एक बहुत बड़ी कमी है। जलवायु दशाओं में परिवर्तन, जलवायु दशाओं में परिवर्तन, मानसून में कभी कभी परिवर्तन जिसकी वजह से धरातल और भूम जल का लगातार स्तर कम हो रहा है। किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए अधिक जल का उपयोग, किसानों के द्वारा कृषि कार्य में अधिक जल का उपयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, जो धान की फसल उसमें बहुत ज़्यादा जल लगता है और भी काफ़ी फसल जिसमें ज़्यादा जल लगता है, तो किसान क्या करता है, साल भर में 3 बार कृषि करने के लिए सिंचाई का दबाव बढ़ जाता है, बार बार सिंचाई करता है, इससे भूमि जल स्तर खत्म हो जाता है। इससे वैज्ञानिक उपाय क्या क्या, जल अधिनियम, एक जल अधिनियम बनाया गया था 1974 में, प्रदूषण और निवारण व नियंत्रण इसमें किया गया था। फिर आता पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाया गया 1986 में, जल उपकरण अधिनियम बनाया गया 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई की बढ़ती मांग के लिए उत्तरदायी कारक, बढ़ती मांग कैसे है भारत में सिंचाई की, पहले सिंचाई ने वर्षा पर निर्भर की थी, अब सिंचाई पर है। नंबर 1 कारण, वर्षा का समान वितरण, वर्षा भारत में समान नहीं होती, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, कभी मानसून टाइम से आती, कभी टाइम से नहीं आती है। वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की केवल वर्षा का आगमन नहीं बल्कि अनिश्चित भी उतार चढ़ाव देखा जाता, कभी कभी ज़्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती है। परिवर्तनशीलता, वर्षा भिन्नता व परिवर्तनशीलता दिखा किन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, कहीं पे कम होती है, इस वजह से भी जो है सिंचाई की आवश्यकता है। मानसूनी जलवायु, भारत में जलवायु मानसून 4 महीने तक ही वर्षा होती है, बाकी समय में कृषि जो सिंचाई पर निर्भर रहती है। खाद्यान्न व कृषि प्रधान, कच्चे माल की बढ़ती मांग, भारत में कच्चे मांग की जो माल बढ़ती रहती है, जिससे क्या होता है कि जनसंख्या बढ़ने से लोगों की ज़रूरतें बढ़ती, तो बहुफसली करने लगे हैं, बहुफसल के लिए फिर सिंचाई की आवश्यकता होती है। फिर आता है वर्षा जल संग्रह क्यों किया जाता है, वर्षा जल संग्रह किस लिए आवश्यक है। वर्षा जल संग्रह जल के नियंत्रण मांग को पूरा करने के लिए, सड़क पर जल भराव रोकने के लिए, मृदा अपरदन रोकने के लिए, भूमि जल स्तर को प्रदूषण को रोक कर उसको घटाना, भूमि जल स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाना, नाली में रोकने से प्रवाह को कम करना, ग्रीष्मकाल में घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करना। अब आती बारी वर्षा जल संग्रह के तरीके कौन कौन से, कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। मकान की छत से गिरे वर्षा का जल संग्रह कर सकते हैं, खेतों व गाँव में तालाब बनाकर कर सकते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, रोक बनाकर, जल रिसाव तालाब बनाकर, वन रोपण करके, झीलों द्वारा, पुनर्भरणकूप द्वारा। और पुनर्भरणकूप कैसे होते हैं कि भूमि जल स्तर में नीचे डायरेक्ट पाइप लगाए जाते हैं, जिससे डायरेक्ट वर्षा जल नीचे जा सकता है। सर्विस कूप द्वारा, जल संभर प्रबंधन द्वारा। आज के चैप्टर में इतना ही, तो आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं ज्योग्राफी की, इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। कल की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू।